यहां पर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे लोगों को प्रॉपर्टी में बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए और किन लोगों को प्रॉपर्टी में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए, लैंड में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं हूं अनुरंजनी गुप्ता, अवास्तु कंसल्टेंट, एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट, और आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक। जी हां, टॉपिक का नाम है कौन से लोग प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट करें, कौन से ऐसे नंबर्स हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो ये इंश्योर करते हैं कि अगर आप प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो वो फलेगा, फूलेगा, बढ़ेगा। जी हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपने देखा होगा कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन जब भी वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर उनको मार खानी पड़ती है, वहाँ पर उनको धोखा मिल जाता है, वहाँ पर वो पैसे डूब जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे लोगों को प्रॉपर्टी में बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए और किन लोगों को प्रॉपर्टी में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए, लैंड में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। अब जो मैं कॉम्बिनेशंस बताने जा रही हूं, अगर ऐसे लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे, लैंड में इन्वेस्ट करेंगे, तो पैसा एक्चुअल में दिन दुगना रात चौगना होगा। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो मैं बताने जा रही हूं, डेट ऑफ बर्थ, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ एक पेज पर लिख लें और देखें क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ में ये तीन नंबर्स आते हैं, 2, 5 और 8। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में ये तीन नंबर्स आ रहे हैं, 2, 5 और 8, तो इसका मतलब है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। मतलब अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको रिटर्न्स बहुत अच्छे मिलेंगे, पैसा डूबेगा नहीं बल्कि बढ़ेगा। आप लोग रियल स्टेट का काम कर सकते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जुड़ा हुआ कोई भी काम करेंगे तो आपको बहुत फलेगा। जैसे कि एग्जांपल ले लेती हूँ, किसी का बर्थडे 20th May 1985 को आता है, 20th May 1985, आप देख रहे हैं 2 भी है 5 भी है और 8 भी है, तो ये 2, 5, 8 तीनों नंबर्स मिल गए यहाँ पर। तो ऐसे इंसान को प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना अनडाउटेडली बहुत फलेगा, बहुत सूट करेगा। लेकिन अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 5 भी आ रहा है 8 भी आ रहा है लेकिन 2 नहीं आ रहा, तो आप क्या देखोगे? अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 11 तारीख को आता है तो इसका मतलब आपका ड्राइवर नंबर 2 हो गया। तो अगर आपका ड्राइवर नंबर 2 है या आपका कंडक्टर नंबर 2 है तो भी मान लिया जाएगा कि ये 2, 5, 8 पूरा है। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में 5 नहीं आ रहा, सीधा सीधा आपको 5 नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन अगर आपका ड्राइवर 5 है या कंडक्टर 5 है तो भी मान लिया जाएगा। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में 8 सीधा सीधा नहीं दिखाई देता लेकिन आपका ड्राइवर 8 है या कंडक्टर 8 है तो भी हम मान लेंगे कि हाँ, आपका ये 2, 5, 8 ये तीनों नंबर का कॉम्बिनेशन पूरा हो गया और आप भी बेझिझक एक्चुअली में धड़ल्ले से प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट करेंगे, आपको नुकसान नहीं होगा, लेकिन ध्यान रखना आपका नेम नंबर ज़रूर करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ जो मैं यहाँ पर बताती हूँ उसका बहुत ज़्यादा उसका बैकलॉग, इनफैक्ट पीछे का जो बैकलॉग होता है वो पूरा का पूरा नेम नंबर से ख़राब हो सकता है। अगर नेम नंबर ठीक नहीं है, नेम नंबर सिंक नहीं हो रहा, तो ये कॉम्बिनेशंस का जो रिज़ल्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। जो भी ये जो मैं कॉम्बिनेशंस आपको बताती रहती हूँ, ये कॉम्बिनेशंस काम करते हैं, पूरी तरह से काम करते हैं, लेकिन शर्त केवल एक है, आपका नेम नंबर करेक्ट होना ही होना चाहिए इस चीज़ के लिए। और मैंने ये भी बोला था कि मैं यहाँ पर बताऊँगी अगर ये 2, 5, 8 में से कोई भी नंबर मिसिंग है तो आप क्या कर सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए आपके डेट ऑफ बर्थ में 5 और 8 आता है लेकिन 2 नहीं आता, तो क्या करेंगे? तो आप वाइट किंग का एक ब्रेसलेट आता है, आप वो पहन सकते हैं। अगर 2, 5, 8 में से 2 और 8 आता है, 5 नहीं आता, तो क्या कर सकते हैं? आप ग्रीन एवेंचरीन का ब्रेसलेट पहन सकते हैं। अगर 2 और 5 आ रहा है लेकिन 8 नहीं आ रहा, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? यहाँ पर आप लेबोर्डाइट का ब्रेसलेट पहन सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है, लेबोर्डाइट का ब्रेसलेट पहनते हुए ध्यान ये रखना है कि आपका ड्राइवर नंबर या आपका कंडक्टर नंबर 1 ना हो,
समझ में आया, आपका ड्राइवर नंबर और आपका कंडक्टर नंबर 1 ना हो, एंड यू विल सी द यू नो मैजिक। एक्चुअली में आपको 2, 5, 8 अगर ये तीनों के तीनों नंबर्स आपके डेट ऑफ बर्थ में हैं, तो आप सीरियसली में बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो प्रॉपर्टी से, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके। बस शर्त सिर्फ इतनी है कि नेम नंबर करेक्ट होना चाहिए। और ये जो सारे मैंने ब्रेसलेट्स बताए, इनके लिए फिर बोलूँगी, हमेशा बोलती हूँ, अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि कहीं से भी कुछ भी मत खरीद लेना ये 50-100 रुपये के पीछे, क्योंकि आज की डेट में चाइना ने इतना कूड़ा भर रखा है मार्केट में। अमेज़न पर लोग इसको कूड़े के भाव बेच रहे हैं, लोग खरीद भी रहे हैं, लेकिन वो भारी कांच है जो वो रंग रंग के बेच रहे हैं। प्लीज़ बिवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। आप वहीं से लें जहां से आपको पूरा भरोसा हो कि ये सही दे रहे हैं। और अगर आपको कोई जगह ऐसी नहीं पता, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी एनर्जाइज रेमेडी का। ये लोग सही और जेन्युइन चीज़ दे रहे हैं, ठीक है। तो ये कोई बहुत ज़्यादा महंगे नहीं आते ब्रेसलेट्स, आप बड़े आराम से इनको खरीद सकते हैं, पहन सकते हैं। ये टूट भी जाते हैं, कई बार होते हैं जैसे कि ये जो मैंने पहन रखा है ये टूट जाते हैं, लेकिन इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये टूट जाए, आप इनको वापस से धागे में पिरो के ब्रेसलेट बना लीजिए। इट्स अ लाइफ टाइम थिंग फॉर यू, लाइफ टाइम थिंग फॉर यू। और ब्रेसलेट्स को किस तरह से वापस से हर महीने बाद रिफ्रेश करना है, उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक भी मैं इनफैक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, एंड स्क्रीन पर लगा दिया जाएगा, आप वो ज़रूर देख लें। क्योंकि जब भी हम क्रिस्टल्स की बात करते हैं, हम लोग कोई भी क्रिस्टल्स पहनते हैं, तो वो नेगेटिविटी नहीं रिलीज करने चाहिए, पॉजिटिविटी रिलीज करने चाहिए। तो वो जो लिंक है, जो किस तरह से आपको अपने क्रिस्टल्स का ध्यान रखना है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी या फिर एंड स्क्रीन पर आप देख लीजिएगा, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और, हम लोगों ने एक कोर्स बनाया है आप लोगों के लिए कि आप खुद से अपना नेम नंबर चेक कर सकें, आप खुद से अपने सारे योगाज, अपने कॉम्बिनेशंस जो आपकी डेट ऑफ बर्थ में है उनको देख सकें, जज कर सकें, अपनी लाइफ खुद से प्लान कर सकें। और अगर आप भी कोर्स करना चाहें, तो ये जो ये नंबर दिखाई दे रहा है आपको, इस पर कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।